रामदेव इन दिनों अपने एलोपैथी के इलाज को दिए गए बयानों को लेकर चौतरफा घिरे हुए हैं। वहीं आईएमए ने उन पर उनके इस बयान के कारण 1000 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी अब बाबा रामदेव के खिलाफ शुरू हो गया है। आपको बता दें, आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल शाखा ने बाबा रामदेव के खिलाफ कोलकाता के सिंधी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर बाबा रामदेव के उस बयान को लेकर दर्ज हुई है जिसमें उन्होंने मॉडर्न साइंस यानी एलोपैथी के इलाज को बिल्कुल बकवास बताया था और ये दावा किया था कि कोरोना के 90% मरीज केवल योग से ही ठीक हुए हैं और मॉडर्न साइंस जो है कोरोना का इलाज करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया और उनके खिलाफ जो है कई राज्यों में और मामला दर्ज हो सकता है। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।